इनक्रेडिबल इंडिया, एक ऐसा खूबसूरत देश जहां हर साल 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहे थे, जो हर साल 3.5% की रेट पर ग्रो हो रहा था। इनफैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 9% ऑफ इंडियाज GDP, बट दिस अमेजिंग ट्रैजेक्टरी कम्स टू अ सडन हॉल्ट ड्यू टू द पैंडेमिक, जिससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ, इट ऑल्सो लेफ्ट 12% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार, और उन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। बट देयर इज होप, एंड दैट होप इज यू। बहुत ही सिंपल तरीके हैं इन विच यू कैन मेक अ डिफरेंस, और आप हेल्प कर सकते हैं इंडिया को उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव करने। सबसे पहले देखो अपना देश। हर साल इंडिया से 5 करोड़ लोग बाहर घूमने जाते हैं टू फॉरेन कंट्रीज। नाउ हाउ अबाउट वी एक्सप्लोर आवर ओन कंट्री। डिड यू नो दैट इंडिया का हर स्टेट अपने आप में ही एक देश है। स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत पहाड़ है हमारे गुलमर्ग में। मेघालय को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। अंडमान की राधानगर बीच को माना जाता है एशियाज बेस्ट बीच, और एम्स्टरडैम के ट्यूलिप गार्डन से बड़ा है उत्तराखंड का ट्यूलिप गार्डन। तो दुनिया देखने से पहले देखो अपना देश। इंडिया जाना जाता है अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, और ऐसे कई सारे फोर्ट्स और पैलेसेस हैं जो अब कन्वर्ट हो चुके हैं इन होटल्स, विच आर यूजुअली रन बाय लोकल्स और नेटिव्स। इंडिया में कई सारे खूबसूरत होम स्टेज भी है जहाँ आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं वहाँ का लोकल फूड, कल्चर एंड लैंग्वेज। एंड एडेड प्लस, इन कई होम स्टेज में फैमिलीज या होस्ट नहीं रहते, तो आपको एक नई जगह में मिल सकता है एक पूरा घर और किचन अपने लिए, मेंटेनिंग 100% सोशल डिस्टेंस। वेल, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, कई बार हमारी ट्रिप्स ऑलरेडी प्लान होते हैं किसी होटल में, पर जब भी मुझे मौका मिले उस जगह को करीब से जानने का, मैं जरूर एक लोकल घर में विजिट करती हूँ। जैसे कि राजस्थान के बिशनगढ़ नाम की जगह में मुझे मौका मिला वहाँ के लोकलाइज के घर में जाने का, उनके साथ खाना खाने का और उनकी कहानियाँ सुनने का। दिस इज क्वाइट अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड यू गेट टू नो सो मच अबाउट द प्लेस। साथ ही साथ उनकी मदद भी हो जाती है। गॉच ऑन लोकल फूड। इंडियन खाना इंडियन कल्चर जैसे बहुत ही रिच है, और ये सिर्फ चिकन करी, पनीर मक्खन वाला या बिरयानी तक सीमित नहीं है। इंडिया के हर कोने ने जन्म दिया है नई रीजनल फूड डिशेस को। अब चाहे वो कश्मीर का वाजवान हो या राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। सो ब्रिंग आउट द देसी फूडी इन यू और जाइए लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाने उन्हीं की तरह। शॉप एट लोकल मार्केट्स। इंडिया घूमते वक्त शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं, पर अगली बार हाई एंड ब्रांड्स खरीदने से पहले वहाँ के लोकल मार्केट्स में जरूर जाइएगा। सुवेनियर्स, ज्वेलरी, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया हैव एवरीथिंग टू ऑफर। दिल्ली का दिल्ली हाट हो या शिलोंग का भरा बाजार या जयपुर का बापू बाजार, इंडिया की हर सिटी या विलेज में आपको मिलेंगी वहाँ की कुछ खास चीजें। वेल, इससे वहाँ की लोकल आर्टिस्ट और आर्टिसंस को ना सिर्फ इनकम बट ऑल्सो एनकरेजमेंट मिलेगी। एंड इन फैक्ट ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं वाराणसी गई थी। यू नो, आई विजिटेड सम ऑफ द लोकल फैक्ट्रीज जहाँ बनारसी साड़ीज बनती है और इतनी बारीकी से तैयार की जाती है और इतनी मेहनत लगती है। आई एम श्योर जो हम प्राइस इसके लिए देते हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। यूज द लोकल ट्रांसपोर्ट। कोलकाता की पीली टैक्सी हो या लखनऊ की साइकिल रिक्शा, वाराणसी की बोट राइड, केरला का हाउस बोट या कश्मीर की शिकारा, जितना हो सके यूज द लोकल ट्रांसपोर्ट। ये ना सिर्फ एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है बट इट्स ऑल्सो वेरी यूनिक। आपकी एक ट्रिप उनके एक दिन का राशन चला सकती है। विल ट्रैवल करते हुए आपको कई जगहों पे ऐसा मौका मिलेगा जहां आपको मनी नहीं टाइम स्पेंड करना होगा। एक नई जगह पर जाकर आप बहुत कुछ सीखते तो है ही, पर आप कुछ सिखा भी सकते। उन्हें अपने शहर के बारे में बताएं, कोई नई भाषा सिखाएं, वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं या कोई भी स्किल सिखाएं। फ्यू थिंग्स आर प्राइसलेस, और इस सीख से वो आज नहीं तो कल जरूर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। और अब एक रिक्वेस्ट उन लोकल बिजनेसेस से,
अतिथि देव भव, विच मीन्स गेस्ट इज गॉड। जब भी आपके शहर में कोई टूरिस्ट आए तो उसका एक्सपीरियंस इतना मेमोरेबल बनाए कि वो वापस अपने शहर में जाकर आपकी सर्विस और आपकी जगह सबको रेकमेंड करे। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, चाहे आप दो पैसे एक्स्ट्रा ले लें। इसी से हम बन सकते हैं वोकल फॉर लोकल एंड कैन सी आवर इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव द वे इट इज।